सर जो भी यात्री यहाँ आता है हम उसकी एंट्री करते हैं और उसका नाम पता वगैरह, नाम मोबाइल नंबर, जैसे आप कोई एजेंट 52 सवारी लाता है तो 52 आदमी की एंट्रियाँ होती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा और जो उर्स मेले के लिए उनको फिर अजमेर भेजा जाता है। अजमेर में क्या है सर, मतलब ये राजस्थान का समझ नहीं आया, राजस्थान के क्या है, मतलब ये सब जगहों के लिए है या राजस्थान की स्पेशल? ये राजस्थान के लिए सर, जो राजस्थान में उर्स मेला अपना अजमेर दरगाह पे लगता है उसके लिए जो यात्री आते हैं वो वहाँ जाना चाहें तो वो उनके लिए अजमेर के लिए हमारी गाड़ियाँ लगती हैं और हम उन्हें यहाँ से अजमेर भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब यहाँ फ्री कॉस्ट है या सब पे? नहीं सर, एक्चुअली क्या ये तो मेला कमेटी ने उन्होंने बैठाया हुआ है, हमारे तब से तो इनको कमेटी ने बोल दिया कि 50 आदमी जाएंगे उसके लिए हम गाड़ी मुहैया करा देंगे, उनकी टिकट कट जाएगी हमारे तरफ से और उन्हें वो सुविधा दी जाएगी यहाँ से ठेठ अजमेर तक। कितने लोग, ये कब से स्टार्ट और कितने लोग आना शुरू हो गया सर? सर ये 15 से शुरू हो गया है और 15 से 5 तक रहेगा ये, पर लेकिन अभी कल रात गाड़ी आई है एक दो, अब आना शुरू हो रही है यात्री। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। सर जी ये बताइए क्या आप क्या करते हैं सर यहाँ पे? जी ये जो उर्स कमेटी के हैं, आप मेरे को फॉर्म दिखाइए क्या है ये? ये फॉर्म है जैसे आज टोटल भारत के जितनी बसें आएंगी टोटल इसमें एंट्री होंगी, उनका कहाँ से आए हैं। अच्छा जी तो मतलब ये कहाँ कहाँ से अभी तक लोग आ गए? अभी तो उन्हीं बनारस से आ चुके हैं, टोटल 52 यात्री आए हैं बनारस से। जी आप कहाँ के हैं? मैं यूपी सुल्तानपुर से। कैसा लग रहा है आपको ये उसका जो कैसा इंतजाम है, कैसा क्या है, सुविधाएं कितनी मिल रही है? इंतजाम अच्छा है, दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, इंतजाम अच्छा है, सब व्यवस्था बढ़िया है। मतलब लगता है कि कोई दिल्ली सरकार नहीं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है सर, उर्स कमेटी में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, सबके लिए बस है जो है, जैसे निजामुद्दीन हो गया जो है, जहाँ जहाँ हुआ हर किसी को अगर कोई समस्या है तो उसके लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ पर जाके कोई संपर्क कर सकते हैं, अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए गए हैं कंट्रोल रूम द्वारा, अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर जाके संपर्क कर सकता है। यहाँ पे हर एक जगह पे जो है दिल्ली सिविल सर्विस के जो है लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, सब लोग तैनात हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए सब लोग सेवा में तत्पर हैं। सुरक्षा का क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा का क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा का बहुत सही इंतजाम है सर, सुरक्षा में सर ITBP के जवान हैं और सिविल डिफेंस दिल्ली सिविल डिफेंस के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, यहाँ पे हर एक गेट पे, हर एक बैरियर पे, हर एक जो हॉल लगे हुए हैं उन सब पे दो तीन हर जगह आपको खड़े मिलेंगे सिपाही या सैनिक, हर जगह आपको मिलेंगे। तो यहाँ से सर ये बसें डेली कहाँ कहाँ के लिए निकलती हैं? सर यहाँ पे हम लोग जो अभी फ़िलहाल इसको नोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो बसें आएंगी उनकी एंट्री हो रही हैं, कब जो है किस तारीख को आई हैं, क्या बस नंबर है, ड्राइवर का नाम क्या है, कितने पैसेंजर आए, हर एक पैसेंजर का नाम और डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, उस सब के सब हर एक पैसेंजर का भी सब ये सुरक्षा का इतना बढ़िया इंतजाम है कि कोई भी जो है इसमें कमी नहीं हो सकती, हर एक पैसेंजर का भी डिटेल इसमें जा रहा है। मतलब ये फिर इसके बाद यहाँ से अजमेर जाएंगे तो सब कैसे, मतलब बारी बारी से जाएंगे, सब एक साथ ही भेजते हैं कैसे? नहीं सर, जब 52 जैसे बस जो सीटिंग जो उसका मैक्सिमम है 50 से 55 तक का, जब उतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ से फिर बस को वहाँ पे हमको इत्तला किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर बस जो है रवाना की जाएगी वहाँ के लिए। इसका कुछ चार्ज वगैरह भी है सर क्या? सर चार्ज के लिए सर बता पाएंगे बढ़िया से? चार्ज कितना लेते हैं सर इसका? जो एक पर सर जो अजमेर का किराया है, जैसे अपना अजमेर का किराया है 414 रुपये, वही चार्जेस है। अच्छा मतलब नॉर्मल चार्जेस सुविधा, भाई ये सुविधा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको ले गाड़ी यहीं मुहैया हो जाएगी। DTC जो यहाँ पे सुविधा लगा रखी है, उर्स मेला चल रहा है इसके लिए यह सुविधाएं लगा रखी है बसों की, DTC की यात्रा है यहाँ से जो है, जैसे कि पुरानी दिल्ली के लिए और आपका जामा मस्जिद के लिए ये सुविधाएं लगा रखी है, और जैसी जैसी सवारी भीड़ बढ़ती रहेगी उस हिसाब से गाड़ियां और बढ़ती रहेंगी। यहाँ सर ये क्या कहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या मेले वालों के लिए, इसका चार्ज है सर किराया फेयर है इस दिन का? ये इसका 15 रुपये चार्ज है, लेडीज़ फ्री है। दिल्ली सरकार दिल्ली परिवहन निगम की बहुत ही बेहतरीन सुविधा है ये, लेडीज़ को पूरी दिल्ली में फ्री कर रखा है और जो है उर्स मेला में जो है 15 रुपये की मात्र टिकट है बस। तो
तो मन को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? थोड़ा सा डिटेल से बताइए सर, जाना नहीं पड़ेगा, बस यही मुहैया हो जाए। बस बस यही आ रही है, यही आई है, अभी गई है गाड़ियाँ। ये जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हैं, जो लोग बाग मेले में आए हैं, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। जामा मस्जिद से वहाँ पे वो लाल किला, पुरानी दिल्ली और जो है वहाँ से वो घूम सकते हैं वहाँ पे। सर, ये दिल्ली परिवहन निगम के एक उर्स मेला कमेटी के लिए दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड किया है सर्विस, और 15 रुपये इसका किराया है जो जाहिरीन के लिए किया हुआ है। यहाँ से हमारी बस जाती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का भी किराया 15 रुपया है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी किराया 15 रुपया है, जिसमें लेडीज़ फ्री है। जी 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 हमारा जी दिक्कत कितनी ना हो थोड़ा सा। जी जी, दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली सरकार ने स्पेशल हम लोगों को निर्देश दिया है कि यहाँ से हमारे जितने भी लोग यात्री या जाहिरीन जितने भी लोग जाएंगे, उन लोगों की सुविधा के लिए ये बस प्रोवाइड की है, और उसमें सभी लोगों को बड़े आराम से हमारा ड्राइवर चालक जो है वो लेकर के जाता है और बड़ी सेफ्टी से यहाँ लेकर के आते हैं। उसमें पुलिस भी देखा है मैंने सर, पुलिस भी थी, सिविल डिफेंस के लोग भी थे, कितनी हिफाजत है सर इसमें महिलाओं को? सर, इसमें हिफाजत रखी गई है, इसमें एक्चुअली क्या है, कंडक्टर लेडीज़ भी है, DCD के जो मार्शल रखे गए हैं वो भी लेडीज़ हैं, उसमें काफ़ी सुविधाएं दी हुई हैं जो जाहिरीन को कोई दिक्कत ना हो। जी देखिए, दिल्ली परिवहन निगम ने ये जो बसेज लगाई हैं जामा मस्जिद के लिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की है जाहिरीन के लिए, और देखिए काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आते हैं, और दिल्ली परिवहन निगम चाहता है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं, DCD के मार्शल्स लगाए हुए हैं, दिल्ली परिवहन निगम जो साथ में चलते हैं इन लोगों की सुविधाओं के लिए। दिल्ली परिवहन निगम ने लेडीज़ के लिए फ्री किराया किया हुआ है और 15 रुपये किराया है जो जो लोगों के लिए यहाँ पर 15 रुपये किराया, जेंट्स के लिए 15 रुपये किराया है। बच्चे सर, बच्चों को जो आधा टिकट लगता है तो हाफ टिकट लिया जाएगा, बाकी लेडीज़ के लिए फ्री है सर। बड़ा अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर ड्यूटी करने में, दिल्ली परिवहन निगम ने हमारी ड्यूटी लगाई उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं इस मेले के अंदर, और हमें एक सेवा करने का यहाँ पर मौका भी मिला है जाहिरीन को, और जैसे जैसे लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं तो हमें खुशी हो रही है, हमें अंदर से खुशी हो रही है, और हम जैसे जैसे लोग और ज़्यादा आएंगे उसी हिसाब से हम अपने जो सर्विस है उसको और बेहतर कर पाएंगे और सुविधाएं दे पाएंगे। सर, ये अभी पीछे 17 तारीख से शुरू हुआ है सर ये भी, और 5 तारीख तक चलेगा, 5 फरवरी तक का जो है इनका जो है सर। जो डेली यहाँ से निकलती है सर? सर 6 बसेज का है हमारे पास में अभी, बाकी और दिन पे दिन दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहे हैं सर इसको सर्विस को, जो लोगों को दिक्कत ना हो। अभी जैसे जैसे बसेज आने शुरू हो गई है इनकी, और सर्विस को बढ़ाया जाएगा और लोगों को दिक्कत नहीं हो, हमारे जाहिरीन जो आ रहे हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो किसी भी तरीके की। दिल्ली परिवहन निगम ने बड़ा अच्छा इसके लिए एक अच्छा जी रोस्ते का पता नहीं है। जी जी नहीं सर, हमारे जो संवाहक हैं, जो कंडक्टर हैं, वो बड़े अच्छे गाइड करते हैं इनको, जामा मस्जिद के लिए उतारते हैं, जामा मस्जिद के बारे में समझाते हैं, छोड़ते हैं, और वहीं से ही पिकअप लेकर के उस मेले के लिए लेकर के आते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे चालक जो हैं, चालक भी बड़े अच्छे गाइड करते हैं लोगों को, और जो हमारे संवाहक हैं यानी कंडक्टर हैं वो भी बड़े अच्छे से लोगों को जो है जाहिरीन को बड़े अच्छे से समझाते हैं कि भाई ये दिल्ली का ये एरिया है और इसमें आप जो है इतने बजे जाएंगे, इतने बजे हमारी गाड़ी शेड्यूल का टाइम बताते हैं, बड़े अच्छे से उनको लोगों को ट्रीट करते हैं सर। इसके लिए सर हमारी गाड़ियाँ यहाँ से हर आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो उस हिसाब से हमने शेड्यूल किया हुआ है कि वहाँ गाड़ी पहुँचेगी, इतने बजे गाड़ी पहुँचेगी, जामा मस्जिद से गाड़ी लेकर के उर्स मेले के लिए आएगी, और उर्स मेले से बुराड़ी ग्राउंड से जामा मस्जिद के लिए जाएगी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जाएगी। ये सुविधा सर, मेरा नाम अमित कुमार है सर, अमित कुमार BBM डिपो से हैं सर हम, और मेरा साथी नेगी जी हैं। एक्चुअली ये काउंटर भारतीय रेलवे की तरफ से लगाया गया है, जो ये उर्स में आएंगे यात्री उन सबकी सुविधाओं के लिए, ताकि उन्हें यहाँ से अजमेर जाने के लिए या कहीं और वो यात्रा करना जानते हैं तो यहाँ से आसानी से टिकट बनवा के जा सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन ही सर, ये रेलवे की काउंटर टिकट यहाँ से बनेगी उनको, क्योंकि यहाँ से एक गरीब तबका ही आता है
मोस्टली यहाँ से जो आता है, तो उनके लिए रेलवे ने अपना काउंटर टिकट के लिए सुविधा दी है ताकि वो स्टेशन ना जाए, यहीं से टिकट ले सकें, दिक्कत ना हो, परेशानी से बचने के लिए। बिल्कुल सर, ताकि उन्हें किसी भी तरह से तकलीफ ना हो, यहीं से उन्हें सारी सुविधाएं दी जा सके। तो मतलब इनको लेके आएगी या छोड़ेगी सर, या बस इनकी हर एक किस तरीके का है सर? नहीं सर, यहाँ से सिर्फ उन्हें रेल की टिकट दी जाएगी, बाकी बगल में ही इनकी बस की सुविधा है जो उन्हें स्टेशन तक पहुँचाएगी, उनको जाने और आने की सुविधा है पूरी तरह से। ये तो बिल्कुल सर उनके लिए है जो यात्रा पे आए हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह से तकलीफ ना हो। सरकार ने सर पूरा ध्यान रखा हुआ है। बिल्कुल सर, सरकार ने पूरी तरह से उनके लिए सुविधा, हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की हुई है अपनी तरफ से। कितनी टीमें लगी सर, 24 घंटे काम करती है? नहीं सर, ये एक शिफ्ट में रहेगी, बाकी अगर भीड़ रही तो फिर शिफ्ट को बढ़ाया भी जाएगा जैसी सुविधा होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल है, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आया हूँ।